अस्सलाम वालेकुम। ये सनी गार्डन की रोड है, ये पूरा बाबा नगर पूरा एक फ्लोर तक डूब गया, तो काम टीम चालू हो गई। रात से 2 बजे से काम पे लगे हुए हैं हमारी बस्ती के लोगों को, तो जो उशार करना था उशार कर दिया। अभी देख सकते हैं आप, ये सनी गार्डन के तरफ का नाले में जा रहा पानी बाबा नगर के अंदर से निकल के नाले में घुस रहा। अभी पानी मोइनबाग या फिर पूरा कबीलपुरा उधर के नालों में मिलेगा, मगर वहाँ के लोग परेशान हो रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि बहुत तेज़ ही था स्पीड। इसी के साथ यहाँ पर फुलबाग में घुस रहा था पानी, खाने के पैकेट सुबह सुबह के टाइम देख सकते हैं। पर वो गाड़ी में पूरे लेडीज़ को लेके आ रहे बाबा नगर के अंदर। अलहमदिल्ला फूलबाग में एंट्री लिया था उन्हें, नसीब नगर के थोड़ा सा वो से घरों में घुस गया, साथ साथ फिर डाटा फिर पानी देखी ऑटो जा रहा है, भाई के गया था ये ऑटो, भाई के जा गया, गाड़ी लेके आऊँ बगल से लेके जा रहे। कहाँ था कि बेचारा ऑटो अंदर घुस गया। देखिए बाबा नगर की ऑडियंस को लेके आ रही, कौन सा एरिया, ये बाबा नगर है, बाबा नगर उमर होटल के पास में, ये फूलबाग को जाने की रोड है। फूलबाग को तो कुछ भी नहीं हुआ, नसीब नगर के घर 6 फीट 7 फीट डूबे, और बाबा नगर का बहुत बुरा हाल है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के करीब करीब तक पानी है, वैसे कुछ भी ऐसी तो इतला नहीं है। हमारे बस्ती में एक जने शॉट खा के मरे, बुल्लों फूलबाग में शॉट खा के इंतकाल हो गया, वो इत्तेफाक से करंट आ गया, एक बच्चा नौजवान बच्चे का इंतकाल हो गया फूलबाग में, नसीब नगर में लेके गए हॉस्पिटल को। अकबर साहब सुबह सुबह 6:30 बजे के दरमियान में आए थे। सभी दोस्तों बाबा नगर अभी धूप निकली है, धूप निकली है, अब माशाल्लाह से अगर जल्द से जल्द पानी का रास्ता सेम नालों में मिल जाएगा तो हो सकता 3-4 बजे तक क्रिश क्रिश बोल के, क्रिश पावरफुल नहीं है। आप देख सकते हैं ये बाबा नगर डिफेंस की रोड है, बालापुर डायमंड होटल जो है ना, मेरे हिसाब से पूरी डूब गई, मेरे हिसाब से फुल डूब गई, क्योंकि बालापुर से जा रहा है बाबा नगर के अंदर। देखे आप 7 फीट पानी है बाबा नगर के अंदर, जो जो डॉन में है बच गया, तो सिर्फ फूलबाग चंद्रा गुट्टे का एरिया, फूलबाग का एरिया बचा, और नसीब नगर के जितने भी एरिए हैं वो डूब गए। कम से कम मिनिमम 7 फीट 8 फीट पानी, ये टीम निकल गई, नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं। बालापुर तो छोड़ दो, आप पूछो ही ना को, आप तीनों के घर ज़्यादा हैं वहाँ पर, और ज़्यादा पूरा डाउन में है, पूरी प्लाटिंग 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 पानी के रास्ते पे प्लाटिंग होने की वजह से छोगा ये प्रॉब्लम, तालाबों को जो प्लाटिंग होने की वजह से नाश्ता होगा सर। देखिए ये सनी गार्डन, देखिए मासूम बच्ची वालिद साहब अपने बच्चों, ये देख सकते हैं आप मासूम बच्चे लोग, अल्लाह हम 2 बजे से, वालेकुम सलाम, मैं भी मस्जिदों में ऐलान कराया, और इंशाल्लाह ताला अगर जो अभी हमारी तरफ से भी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे दोस्त, शाम में प्लान हुआ, देखते हैं।
इंशाल्लाह। सादत नगर जो है, सादत नगर की जो नाला है वहाँ के घर पूरे डूब गए हैं। अभी वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए वहाँ की पब्लिक को ऑलरेडी 6-7 बजे तो इत्तला दे दिए थे कि आप लोग पूरे इधर आ जाइए, मोहम्मदिया मस्जिद फुलबाग के ऊपर आ जाइए बोलते। घर का सामान उमन ख़राब होगा, सादत नगर डूब गया मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा ये पानी जो है ना नसीब नगर को पार करते हुए सादत नगर में घुस गया। सादत नगर फुल डाउन में है, बचा तो सिर्फ नरखी फुलबाग के अंदर का, तो नरखी फुलबाग बचा समझो, वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुई। नसीब नगर में भी कुछ नहीं हुआ, एक आदमी शॉट से इंतकाल होगा, हाफिज़ साहब का बेटा है वो, मस्जिद अब देख सकते दोस्तों। अल्लाह ये बाबा नगर के जितने भी 300-400-500 घर तो डूब गए हैं, फर्स्ट फ्लोर लोग ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है, इस वाले पूरे सेफ है। पानी ऐसे से चढ़ा है, अब ये 2 दिन तो लगेंगे। हाफिज़ बाबा नगर ABC, जहाँ तक मेरे हिसाब से उमर होटल के लाइन के जितने भी घर पूरे आधे आधे डूब गए, तो डॉन में वो तो टोटल डूब गए। वैसे वहाँ पर मस्जिदों में ऐलाना करा दिए थे, भाग के कहाँ जाएंगे भाई, भागेंगे कहाँ भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज अभी हमारे जो शमा टाकीज़ की तरफ मेरे भाया हैं उन लोग को मैं बुलाया था कल, क्योंकि मेरे को भी हैबत हो गई थी कि ये फूलबाग में घुस रहा था पानी, क्योंकि बहुत स्पीड आ रहा था ना, तो हमारे भाइयों को बुलाया था उन लोग को वहाँ पकवान करके बघारा खाना दाल चा जो भी है, जो भी अल्लाह के करम से जो अभी रात भर जो भूखे प्यासे हैं उन लोगों को तो पहुँचा सकते, क्योंकि पानी तो 5 फीट रहा तो भी भरल दे सकते इंशाल्लाह ताला। हमारे तायरे भाइयों को बुलाया मैं शमाटा किसके पास से, मैं तो रात भर से जगे हुआ हूँ, क्योंकि देखते हैं इंशाल्लाह। इनबॉक्स में मुलाकात करिए, आप बात करेंगे अगर आपके लिए जो भी है इसमें करिए आप लोग, क्योंकि बाबा नगर अपने अपने एरिया में, आप हमारे सादत नगर मेरे करीब में पड़ता वो एरिया को मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बिस्किट का पूरा बिस्किट भी दिए तो भी इस वक्त अनमोल है भाई, क्योंकि अभी यहाँ रात पूरी कैसा गुजरी बारिश में ये नालों में अल्लाह बेहतर जानता, दिन आ गया ज़रा सुकून होगा समझो, सुकून मिल गया कहीं को बोले तो। अब नौजवान बच्चे भी अब कहाँ कौन किधर है तकलीफ में दिखता, और देखिए वहाँ कार फंस गई, देखिए लोग निकाल रहे, सब भाई के आए सुन भाई। अरे बिल्कुल इंशाल्लाह मदद करेंगे। अब हमारे को फुलबाग चंदन गुट्टा में अब बाबा नगर के लोग अब चालू हो सब, तो सब जनों को अपने अपने लोग आए, देखिए लोग को निकाल के लेके जाए। मेरे हिसाब से बाबा नगर कम से कम 400 घर मेरे हिसाब से डूब गए, मगर के अल्लाह बेहतर जानता 400 घर उतनी स्पीड में कहाँ गए पता नहीं, अब मालूम होगा ऐसा ऐसा कुछ भी अपडेट तो नहीं है। हमारे बस्ती में एक जने का शॉट से इंतकाल होगा, 18 साल के बच्चे का, कैसा तो दोस्तों दुआ में याद रखिए, ऐसी अपडेट देते रहता हूँ आप, बिल्कुल आप भी हेल्प करिए, लोगों की मदद करिए।